देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से आज आप बिजी के अंदर हम एक नए इनवॉइस क्रिएट करते हैं। अब बात आती है कि इनवॉइस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर कस्टमर या हर क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनवॉइस को डिजाइन करवाना चाहता, ताकि वो चाहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग निकले। तो इस तरह बिजी के अंदर आप कई तरीके से इनवॉइस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट मैंने सेल्फ अभी क्रिएट करा है, जिसके अंदर मैंने एस्टीमेट और यहाँ पर पार्टी का नेम, बैलेंस और लास्ट बैलेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आज हम सीखें किस तरीके से इनवॉइस बनाई जाती है बीजी के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग भी अपनी इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के जरिए बना सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कॉल करके अपनी इनवॉइस बना सकते हैं। ये चार्जेबल होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो 1500 रुपीज़ एक फॉर्मेट का। आप किसी भी तरीके का एक फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि जैसे आपने देखा था कि मेरे पास ये फॉर्मेट था, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे फॉर्मेट बना रखे, उसमें एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा था कि अगर यही फॉर्मेट मुझे यहाँ पर एक नई कंपनी, जिस कंपनी का नाम है न्यू बिजी फॉर्मेट, अगर यही इनवॉइस मुझे इसके अंदर बनानी है तो किस तरीके से बनाते हैं उसको आप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाने के लिए कहाँ आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर, देन एडवांस के अंदर। एडवांस में सबसे पहले एक होता है ऐड फॉर्मेट। अगर आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका उसके नाम का एक फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया A5, तो A5 फॉर्मेट, A5 डाल दिया, उसका की डॉट डाल दी, .1, ठीक है। तो नाम आपको जो देना दे सकते, देखिए जैसे ही मैंने करा तो आप देख सकते कि मेरे पास एक ऑलरेडी बन के आ गया A5 डॉट। अब देखिए सबसे नीचे मुझे चाहता हूँ कि सबसे ऊपर आ जाए, तो इसी को आप मॉडिफाई करके इसके आगे एक स्टार बटन लगा देंगे। स्टार डालने से क्या होता है, स्टार का मतलब होता है कि जो स्टार लगता है वो जब भी ये फॉर्मेट दिखेगा तो ये सबसे ऊपर दिखेगा। एक बार इसको क्विट कर दो, दोबारा अंदर आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा फॉर्मेट था वो स्क्रीन के टॉप पे आ गया सेलिंग में इसके अंदर। ऐसे आपको कहीं भी फॉर्मेट बनाना है तो ये बनाएंगे। बिल बनाने के चार पार्ट, तीन पार्ट होते हैं, एक होता है हेडर, एक होती है बॉडी और एक होता है फुटर। जो आप देख रहे हैं यहाँ तक के हिस्से को हम हेडर बोलते हैं, और जो इसके नीचे और यहाँ तक का जो वैल्यू उसको हम बॉडी बोलते हैं, और जो सबसे नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन, ऑथराइज सिग्नेचर ऐसी फैसिलिटी होती है, वो पार्ट ऑफ द फुटर होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर बनाना सीखेंगे, तो हम हेडर के अंदर आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर गए हेडर के अंदर, हेडर के अंदर आए। जब भी आप हेडर बनाएंगे तो सबसे पहले इस चीज़ को याद रखेंगे आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हेडर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो नीचे यहाँ लिखा है प्रिंट स्टाइल के लिए आप F4 दबाएंगे, फील्ड अवेलेबल के लिए ऑल प्लस F4 दबाएंगे, और डिफॉल्ट लोड के लिए ऑल प्लस D करेंगे। अगर मैं जैसे ही ऑल D करूंगा तो क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट बिजी वालों ने कंपनी का फॉर्मेट बना के दिया है तो वो फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाए। आप इसमें करेक्शन करके भी अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हैं, बट हम लोग करेक्शन नहीं करेंगे, हम एक नया इनवॉइस ही क्रिएट करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। मैंने देखिए इसको डिलीट करा। अब इनवॉइस बनाने यहाँ दिया है प्रिंट स्टाइल। प्रिंट स्टाइल का मतलब होता है कि जो आप इस पर वर्डिंग लिखोगे तो उसका स्टाइल क्या, जैसे बोल्ट आप चाहते हो कि वो मुझे एक बोल्ट में दिखे, जैसे UL ऑफ ऑन, ठीक है। इसका मतलब होता है नीचे अंडरलाइन लानी है, फॉन्ट 18, उसका साइज बहुत बड़ा दिखाना है, कंडेंस जैसे हम नॉर्मल कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, और CP12। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बोल्ट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर करा बोल्ट, ठीक है, ऑन। बोल्ट ऑन करने से पहले मैंने ले लिया CP12। CP12 एक फॉर्मेट होता है। अब सर ये आपने CP12 ही क्यों लिया, इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है, क्योंकि जो CP12 होता है उसका जो साइज होता है वो नॉर्मल होता है, जबकि हमारे पास एक और फॉन्ट होता है जो होता है कंडेंस, जो CP12 से नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो आप कोई भी एक सेल की लिस्ट निकालिए, और जब भी आप कोई जब प्रिंट आउट देते हो, अगर फ्रॉम बीजी से ना देखे एज ऑन ग्रेड से दोगे, तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा होता है प्रिंट स्टाइल की जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 79 कैरेक्टर, कॉलम 18, ऐसी मिनिमम थी आपकी और यही आपकी मैक्सिमम हो जाएगी नॉर्मल कैरेक्टर की। जबकि CP12 इससे ज्यादा लाइन लेता है, एक लाइन में कितने लेता है, 94 कैरेक्टर लेता है, और कितने मैक्सिमम ले सकता है, 156। ऐसे कंडेंस होता है कि एक बार में आपका 134 लेगा और 222 तक ये आपका कैप्चर करेगा। तो ये आपके कुछ साइज होते हैं, लेकिन CP12 इसलिए क्योंकि नॉर्मल साइज था। अब एक चीज, जब आपने किसी को ऑन कर दो उसी के साथ उसको ऑफ भी करना जरूरी होता है। आप स्टार्टिंग में कर लीजिए, नहीं तो एंड में भी कर सकते हो। अब इसके बीच में आपको वर्डिंग लिखनी है, ठीक है।
अब मैंने कहा मेरा जो वर्ड वो बोल्ड भी हो, साथ साथ स्टाइल भी ठीक हो और बोल्ड हो। अब यहाँ से बोल्ट ऑन करेंगे और फिर यहीं से बोल्ट ऑफ भी कर सकते हैं, तो अब यहाँ से बोल्ट को ऑफ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मुझे बीच में एस्टीमेट लिखना है, क्या लिखना है, एस्टीमेट लिखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये पूरा A4 का साइज होता है वो होता है 96 कैरेक्टर का। कितने का होता है? 96 कैरेक्टर का। और जो A5 उससे जो आधा होता है, जिसको आप मोड़ के बीच में से फाड़ते हैं या अलग अलग करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो आता है इक्वली उसको हम बोलते हैं A5। मतलब जो A4 का आधा होता है वो A5 होता है। उसकी जो मैक्सिमम होती है साइज वो 53 से लेके 75 के बीच में हो सकती है, अगर आप CP12 लेते हैं तो। तो जो हमारा ये A5 होता है, तो A5 स्टैंडर्ड तो 96 होता है, तो A5 कितना होगा? तो A5 आपका हो जाएगा 53। तो यहाँ पर मैंने ऑल्ट F4 करा और मैंने यहाँ पर स्ट्रिक टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया एस्टीमेट। क्या लिख दिया? एस्टीमेट। और यहाँ लिख दिया एस्टीमेट, ठीक है। और इसकी जो लेंथ थी वो दे दी मैंने 53, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 53, मतलब पूरी लाइन में 53 लेगा। मतलब इसके अंदर कितने वर्ड आएंगे, वो मैक्सिमम लेंथ कितनी है उस कैरेक्टर की? 50। जैसे मैं यहाँ जो भी टाइप करूंगा उसकी एक लेंथ है, कितनी लेंथ है? 53। अब L का मतलब होता है राइट। अगर मैं इसी को आपको ऑन करके दिखाऊं तो बिल्कुल इधर से हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ? आपका लेफ्ट से। अगर आप इसको C कर देंगे तो बिल्कुल ये सेंटर में आ जाएगा। C4 सेंटर होता है, R4 राइट होता है, क्लियर है? आपने ये ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर वो चाहिए कि आइटम की इनवॉइस के, जैसे लोग कहते हैं मुझे ओरिजिनल कॉपी चाहिए, पहली कॉपी, दूसरी कॉपी पे डुप्लीकेट, तीसरी कॉपी पे ट्रिप्लीकेट एंड एक्स्ट्रा कॉपी, इस तरह के वो कुछ चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक छोटी सी और करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक कोडिंग और लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, अब आपने 56 कैरेक्टर तो ले लिया और अब ये वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ऑल प्लस F4 से स्टार्ट करेंगे और इसके बीच में 10 का गैप देंगे ताकि एस्टीमेट के बाद से वो आना शुरू हो। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 10, ठीक है। अब दूसरी देखिए, जो हमारा एस्टीमेट था वोल्ट और गार्ड था, जबकि जो हमारी कॉपी टाइप है वो ना बोल्ट है और ये साथ में इटैलिक भी है, उसका इससे छोटा वर्ड है, तो हम इस समय CP12 लेंगे या हम कंडेंस लेंगे। तो अब देखिए, इस पूरी लाइन के लिए हमने एक एस्टीमेट यूज करा था, इसके बाद हमें कंडेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर F4 करूंगा और कंडेंस को ऑन करा। अब कंडेंस को मैं बाद में ऑफ करूंगा, और साथ साथ F4 करने के साथ मैंने यहाँ से इटैलिक भी ले लिया, और मुझे चाहिए ओरिजिनल कॉपी। अब ओरिजिनल कॉपी कैसे पता चलेगा? आप एक कॉपी निकालो तो उस पर ओरिजिनल कॉपी, दो कॉपी निकालो तो उस पर डुप्लीकेट। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा फील्ड अवेलेबल पे, जिसकी शॉर्टकट है ओल्ड प्लस F4। तो आप ओल्ड F4 दबाएंगे, उसके बाद आएंगे आप वाउचर हेडर के अंदर, देन आपको यहाँ से मिलेगा जिसका नाम होगा इनवॉइस कॉपी टाइप। आप इस पर ले लेंगे और इसको बोल देंगे लेफ्ट से या राइट से 18 या 14, जो भी। तो मैंने इसको भी नॉर्मल रखा। उसके साथ साथ मैंने क्या करा, मैंने इटैलिक ऑन करा था। देखो, तो यहाँ चीज ऑन होती है वो एक्चुअल में ऑफ करना कंपलसरी, चाहे अभी करें चाहे आप बाद में करें, वो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कंडेंस ऑन था तो यहाँ से ऑफ होगा। अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा साइज एक्यूरेट आ रहा है। अब देखिए, ये काफी साइज काफी बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कुछ और प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो क्या जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था ना ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस मैंने इसलिए लिया था कि इस कैरेक्टर के बाद ये कैरेक्टर एंड कैरेक्टर छोड़ के आपकी कॉपी टाइप स्टार्ट हो। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, क्योंकि उसकी लेंथ है ना वो बिल्कुल A4 की जितनी जा रही है, तो जो उसकी एक्चुअल की लेंथ है उस लेंथ को हम यहाँ से कम कर देते। मैंने इसको कर दिया 0.5 और मैंने इसको, अब देखोगे तो फिर भी आप देख सकते हैं आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये मेरा वर्ड तो राइट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप इसको क्या करोगे? आप इसी में के हेडर के अंदर जाके जो आपका यहाँ 53 आया, इसको आप बोलोगे लेफ्ट से आपका 53 है, लेफ्ट से 53 आएगा, तो देखो यहाँ हो गया। अब भी गलती हो गई, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्या प्लानिंग करें जिससे ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हमने ब्लैंक स्पेस लिया, यहाँ से हटा के इस ब्लैंक स्पेस को स्टार्टिंग में ले आएंगे यहाँ पर, और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं, होल्ड वी करा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। और इसका हम इसको साइज को एल से एम सी में कन्वर्ट करें, किस में करेंगे? एल से सी में,
सी आप देखेगी, प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट होती है ऑल्ट भी, जब आप कोडिंग पे खड़े हो साथ में आप ऑल्ट भी दबाएंगे तो आप डायरेक्ट वहां आ जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह की इनवॉइस आ गई, बट इसके साइज में भी थोड़ा सा ज्यादा फर्क है। तो जो हमारा ये है ना 53, इसको हम कर देते हैं 50, इसको ध्यान से इसको सेव भी कर सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैं ओल्ड भी कर दो। अब देखता हूँ साइज इसके बराबर, हाँ जी बिल्कुल बराबर हो गया साइज, ठीक है ये बिल्कुल सेंटर में भी आ गया। अगर नहीं आया तो आप इसकी साइज को थोड़ा सा कम करिए, इसको आप कर दीजिए 57 और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एड कर दीजिए। रखनी है आपकी एक लाइन, देखिए एक लाइन में आप जितने कैरेक्टर लिखेंगे वो बाकी लाइनों में उतने कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर 47 + 8 55 होता है, देन यहाँ पर आपने 18 और लिया, तो 18 मतलब कितना हो गया आपका 73। तो हर लाइन में आपको 73 कैरेक्टर तक लिखना कंपलसरी, आप उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान देना है कि जो मुझे एक लाइन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है।